बटाला दे विच अकाली आगू अजीतपाल दे कतल मामले दे विच नवा मोड़ आया। दोस्त अमृतपाल की अजीतपाल दा कातल निकलिया। कतल दे विच होटल मालिक गुरमुख सिंह ने भी साथ दिता। पुलिस ने मुलजम अमृतपाल नूं गिरफ्तार किया। गुरमुख सिंह फरार दस्या जा रहा फिलहाल दी कड़ी। सो बटाला दे विच अकाली आगू अजीतपाल दे कतल मामले दे विच नवा मोड़ आया। इस दे दोस्त दे वल्लों की अपने दोस्त दा कतल किया गया। हालांकि कतल दे विच होटल मालिक गुरमुख सिंह ने भी साथ दिता। पुलिस ने मुलजम अमृतपाल नूं गिरफ्तार कर लिया। गुरमुख सिंह फरार दस्या जा रहा। चौबी घंटिया के अंदर अंदर पुलिस ने मामले संबंधी इस गुत्थी नूं सुलझाया है। दोस्त ही कातल निकलिया अजीतपाल दा। दोस्त अमृतपाल जिसके वालों कतल की वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है ता उसके वालों अपने दोस्त का कतल कर दिता जांदा है। हालांकि होटल मालिक गुरमुख सिंह जो है वो भी नाल शामिल है इस कतल दे विच। फिलहाल वह फरार दस्या जा रहा है। दस दिए कि आखिरकार एक कतल क्यों किया गया, आपसी रंजिश का मामला दस्या जा रहा है। इस मामले दे विच पुलिस हुण जुटी हुई है। दोषी नूं काबू करके सारे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, पूछ पड़ताल की जाएगी। सो अगली बनती कार्रवाई पुलिस वालों की जाएगी। सो इस खबर से साडे नाल भोपाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भोपाल मामले संबंधी की जानकारी है? दोस्त दे वल्लों ही अपने दोस्त का कतल किया जाता है, इस दे विच कारण की रहा है? जी बिल्कुल, तुहानू मैं दसना चाहूंगा कि बीती देर रात एक कतल हुंदा है तो सवेरे पता चलता है। तो उस तो बाद अजीतपाल जिसका मर्डर हुंदा है उसका दोस्त ही अमृतपाल उसनू अपनी गड्डी च बिठा के जख्मी हालत च अमृतसर होस्पिटल भी लैके जाता है तो उत्थे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस नू बयान दिता जाता है अमृतपाल वालों कि असी उत्थे नैशनल हाईवे उत्ते हब 24 होटल है उत्थे बाहर खड़े सी तां कुछ अज्ञात लोग आए तो उन्होंने साडे ते फायरिंग की जिस दे विच अजीतपाल दी गोली लगन नाल मौत हो गई। उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है तो इन्वेस्टिगेशन दे विच इह सामने निकल के आंदा है। SSP बटाला सिंदर सिंह ने हुण PC भी कीती तो उन्होंने साफ तौर ते दस्या है कि अजीतपाल अते अमृतपाल दोनों ही खास दोस्त सन और देर रात ये 24 हब के उत्ते ही बैठ के कोई चाह जो खाण पीन का प्रोग्राम बनाया होया सी तां उत्थे ही इसका किसी गल नूं लैके अनासुनी हो जाती है। गल यह निकलती है कि अमृतपाल जो है वह कहिंदा सी कि अजीतपाल मेरे सरीके दे विच भी अपनी दोस्ती रखता है जिस तों वह इतराज जतांदा सी तां इसे गल नूं लैके उत्थे बहसबाजी हुंदी है। तां जो अमृतपाल है वह अपनी लसंसी रिवालवर दे नाल अजीतपाल नूं गोलियां मार दिंदा है। तां इस सारे कतल दे विच अते इस कतल नूं खुर्द बुर्द करन दे विच जां फिर कह लिया जाए कि साथ देन दे विच उस होटल दा मालिक होटल 24 हब दा जिहड़ा मालिक गुरमुख सिंह है जो अमृतपाल दा दोस्त है वह भी शामिल है। तां पुलिस दे वल्लों हुण अमृतपाल नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। वह गड्डी भी बरामद कर ली गई जिस दे विच कतल होया। दूसरे पासे वह रिवालवर भी जिहड़ा बरामद कर लिया गया जिस नाल कतल किया गया। तां फिलहाल जो 24 हब दा मालिक है गुरमुख सिंह वह फरार दस्या जा रहा जी। जी ठीक है, अगली कार्रवाई दे विच की कोई रिमांड हासिल करने दी अदालत दे विच पेशी करन नूं लेके की कुछ बयान दिता है पुलिस ने? हाँ जी बिल्कुल, SSP गुरदासपुर ने दस्सिया कि केस दर्ज कर लिया गया तो हुण अगली पुछगिछ लई इसका रिमांड लिया जाएगा। तो गुरमुख सिंह जो फरार दस्या जा रहा उसनों भी जल्द से जल्द काबू किया जाएगा। तो साफ तौर पर यही सिद्ध होंदा है कि दोस्त ने ही दोस्त का कतल कर दिया सिर्फ इस इतराज को लैके कि मेरा दोस्त मेरे सरीके दे विच यारी दोस्ती रखता है, इसे चीज़ को लैके यह सारा कतल होया है जी। जी ठीक है भोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया वधेरे जानकारी देने के लिए।